हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट को एक बार फिर से हाईलाइट करते हैं। क्या है फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, यानी कि जिसमें कार्य का समापन बताया जाए कि काम पूरा हो चुका है। हम वही इसको यूज करते हैं, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जिसमें काम पूरा भी हो जा रहा हो और उससे समाप्त होने का या पूरा होने की अवधि भी बताई जा रही हो, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करते हैं। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी या निरंतर, और टेंस का मतलब होता है काल। इस तरह से इस टेंस का अर्थ हो जाएगा पूर्ण, निरंतर, भविष्यकाल। एक तरफ से कार्य पूरा हो जाएगा लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि काम जारी अवस्था में है या था, फिर क्या हो जाएगा और होगा किसमें, भविष्य में होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब हो जाएगा पूर्ण, निरंतर, भविष्य काल। तो पूर्ण, निरंतर, भविष्य काल की परिभाषा में हम अगर बात करें पहचान की, तो पहचान क्या होता है कि व्हेन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब विद टाइम। गाइस, इतने पे जरूर ध्यान दीजिएगा, विद टाइम, इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ मिलता है, केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इन्हीं केस में आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही हम टाइमिंग की बात करते हैं। तो क्या हो गया, व्हेन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया को लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद कर्म, फिर निश्चित समय के लिए, जहां पर समय निर्धारित हो, निश्चित हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस को यूज करते हैं, और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, यानी कि निश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, आप कभी भी आप गेस कीजिएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, अगर एक वाक्य में सहायक क्रिया एक से अधिक हो जाए, एक से दो हो जाए, दो से तीन हो जाए, तो यह माइंड कीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट, उसके बाद बाकी सहायक क्रिया, फिर क्रिया लिखी जाएगी, मुख्य क्रिया लिखी जाएगी। और वही कंडीशन किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, अगर सहायक क्रिया एक से अधिक है तो सहायक क्रिया का पहला पार्ट कर्ता से पहले, बाकी कर्ता के बाद। तो यहाँ देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हेल्प प्लस नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, प्लस आदि चीजें लिखी जाती हैं। गाइस, स्ट्रक्चर देख के आपको कंफ्यूजन बन सकता है कि इसका स्ट्रक्चर इतना लंबा हो गया, इसका स्ट्रक्चर छोटा सा बता रहे हैं सर, कुछ भूल तो नहीं गया इसमें, छूट तो नहीं गया, तो नहीं गाइस, कुछ छूटा नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया आपकी क्या है, विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो उस हेल्पिंग वर्ब में पूरा पूरा वर्ड आ गया है, हमने उसे अलग अलग करके नहीं लिखा है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट छोटा हो गया है और इसका क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल विल आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आते हैं एग्जांपल की तरफ, जैसे हो गया, वह 2 घंटे से मैदान में सो रहा होगा, सोने का टाइमिंग क्या बताया जा रहा है, 2 घंटे से। अब 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, क्लियर नहीं है, तो जब हमारा समय क्लियर नहीं होता है तो हम वहां क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। तो वह 2 घंटे से मैदान में सो रहा होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, गाइस, ही होती है, और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव बीन है, हमने पूरा लिख दिया, ही विल हैव बीन क्या किया है, सो रहा है, सोने की इंग्लिश क्या है, स्लीप, स्लीपिंग क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, स्लीपिंग इन, कहां पर सो रहा भैया, फील्ड में सो रहा है, इन फील्ड, और कब से सो रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से सो रहा है। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, माँ कल से मुझे लोरी नहीं सुना रही होगी, तो अब लोरियां थोड़ा सा कम सुनने को मिलती है ना गाइस, अब लोरी इसलिए कम सुनने को मिलती है क्योंकि अब लोरियों की जगह मोबाइल चलती है, मोबाइल चला के बच्चे को दे दो, वो जो है कार्टून देखते देखते अपने आप ही सो जाएगा, लोरी की क्या जरूरत है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, माँ कल से मुझे लोरी नहीं सुना रही होंगी, तो सबसे पहले क्या हो जाता है,
बार क्या होगा, निगेटिव वर्ड। मैंने बताया ना कि सहायक क्रिया एक से अधिक है, तो सहायक क्रिया पहली सहायक क्रिया के बाद नाउन, फिर बाकी की सहायक क्रिया है, उसके बाद क्या कर रही है, बता रही है, सुना रही है, सुनाने की किस होती है टेल, तो टेल में आईएनजी लगेगा। तो मदर विल नॉट हैव बीन टेलिंग, किसको बता रही है, मी, टेलिंग मी, क्या बता रही है, लर्न फॉर टू डेज, दो दिन से है। उसके बाद क्या है, वे आपके साथ कल से कीर्तन क्यों गा रहे होंगे, या भजन कीर्तन तो जैसे मुश्किल से सुनने को मिल रहा है, जैसे लोग अध्यात्म से बहुत दूर भाग रहे हैं, जिस तरह से अध्यात्म से लोग दूर भाग रहे हैं, वैसे ही प्रकृति उनके ऊपर एक के बाद एक कहर ढा रही है। तो क्या हो गया है, वे आपके साथ कल से कीर्तन क्यों गा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, क्यों, क्यों को हमने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया, क्यों हो गया, उसके बाद वाई, वाई के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया का पहला पार्ट विल, फिर कौन, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, वाई विल दे हैव बीन, कर क्या रहे हैं, गा रहे हैं, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंगिंग होती है, लेकिन गा क्या रहे हैं, कीर्तन, तो कीर्तन की इंग्लिश मोस्टली हम कीर्तन लिख देते हैं, नहीं गाइस, कीर्तन की इंग्लिश क्या होती है, चैंट होती है, तो वाई विल दे हैव बीन सिंगिंग चैंट, किसके साथ गा रहे हैं, आपके साथ, तो विद यू, कब से गा रहे हैं, फॉर स्टडी, कल से गा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, माँ मुझे सुबह से खाना क्यों नहीं दे रही है, होगी क्यों नहीं दे रही होगी, मतलब गुस्सा हो गया, तो फिर मुझे मारने के प्रयास में होगी, गलती क्या होगा, नहीं गाइस, माँ कभी भी आपसे गुस्सा होती है तो आपकी गलतियों पे होती है। माँ मुझे सुबह से खाना क्यों नहीं दे रही होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया विल, फिर क्या, माँ, वाई विल मदर, फिर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट, फिर हैव बीन गिविंग, क्या कर रही है, किसे दे रही है, मुझे दे रही है, हैव बीन गिविंग मी, क्या दे रही है, खाना, फूड, कब से दे रही है, सुबह से, तो सुबह तो दिन में एक ही बार होती है ना, तो निश्चित है इसलिए सिंस मॉर्निंग। तो गाइस कभी भी गेस कीजिए, सेंटेंस आपको एक बताया जाए, दो बताया जाए, चार बताया जाए, आप उस पर खुद से क्रिएट करना सीखिए। अगर आप सेंटेंस को खुद से क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस एकदम मैच्योर्ड हो जाएगा, और आज के लिए ही नहीं, कभी भी आपके सामने सेंटेंस किसी भी वाक्य का आएगा, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, आपके टेस्ट को कंप्लीट किया है गाइस, लेकिन अब इसको और मैच्योर्ड बनाने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप मैथमेटिकल वे में समझ सकते हैं, 555 यानी कि 555। आप सोच रहे होंगे 555 क्या है, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको वीडियो दूंगा, तो आपके समझ में आएगा कि 555 कितना इजी है। जितने आसानी से 555 याद हो जा रहा है, उतना ही आसान उसका ट्रिक होगा। तो आपके सामने सेंटेंसेस है गाइस, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट तो 100% कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बताते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमियां रह जा रही हैं, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपके सामने मॉडिफाई करके पेश कर सके। तो तब तक के लिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।